आपने ये न्यूज़ तो सुनी होगी कि कहीं पर बर्ड्स की हमेशा डेथ हो रही होती है। रात को सब नॉर्मल होता है, जैसे ही आप मॉर्निंग में वॉक पे जाते हैं तो आप देखते हैं रोड पर बर्ड्स मरी हुई हैं। एक्चुअली एक प्लेस है जहां पर आप हमेशा घूमने जाओगे सुबह के टाइम, रात को नहीं सुबह के टाइम, तो वहां पे हमेशा बर्ड्स की डेथ हुई मिलेगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो प्लेस है उधर बर्ड्स क्यों डेथ कर लेती है एंड क्या मिस्ट्री है उस प्लेस की, वो मैं आपको आज बताऊंगा। जतिंगा इंडिया के असम के डीमा हसाउ डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में है। समथिंग उधर 2500 खासी पीपल रहते हैं एंड असमी पीपल्स रहते हैं। इस जगह को मिस्टीरियस ऑफ बर्ड डेथ के नाम से भी जाना जाता है, जहां पे बर्ड्स मास सुसाइड कर लेती हैं। बेसिकली मॉनसून के मंथ्स में रात को फॉगी नाइट होती है, शाम के 6 बजे से रात 9:30 बजे तक फॉगी नाइट होती है। तो जो वहाँ के विलेजर्स होते हैं वो अपने घर के आगे लैंप लगा देते हैं एंड कुछ कैंडल्स लगा देते हैं, तो जो वहाँ की बर्ड्स होती है उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि सब फॉगी नाइट होती है। तो जो विलेजर्स ने वहाँ पे लैंप लगाए होते हैं एंड कैंडल्स लगाए होते हैं तो वो उस लाइट से अट्रैक्ट होके उनके तरफ जा रहे होते हैं एंड वो बहुत स्पीड से उन लाइट की तरफ जा रहे होते हैं। तो जो बीच में बैम्बूज आते हैं या विलेजर्स के हाउस आते हैं तो वो उनसे टकरा जाती हैं एंड देन उनकी डेथ हो जाती है। सो इस रीजन से उनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। बट वहाँ के जो विलेजर्स थे उन्हें ये लगा कि वहाँ पे कोई आत्मा है जो इन्हें मार देती है। बेसिकली वहाँ पे एक ही ब्रीड की डेथ नहीं होती है, वहाँ पे बहुत सी बर्ड्स की ब्रीड की डेथ होती है, किंगफिशर, पॉन्ड हिरॉन एंड इंडियन पिट्टा। तो ये थी एक मिस्ट्री जो सबके माइंड में थी कि कैसे डेथ हो जाती है बर्ड्स की, वहाँ पे कोई आत्मा है। बट ये साइंटिफिकली डेथ होती है, वहाँ पे कोई आत्मा वगैरह नहीं है। बट जतिंगा विलेज को बर्ड्स मास सुसाइड के नाम से जाना जाता है, इसे नॉर्मल गांव नहीं कहते, इसे बर्ड्स मास सुसाइड के नाम से ही जानते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।